नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 14 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से बनता है, वह है कि नर्मदा महोत्सव 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ है। चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, जबलपुर, इंदौर, भोपाल या खरगोन। तो दोस्तों ऑप्शन है जबलपुर, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। नर्मदा महोत्सव 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ है, तो ऑप्शन है जबलपुर, यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा बन जाता है। दोस्तों इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो नर्मदा महोत्सव 2022 का आयोजन जबलपुर के भेड़ाघाट में आपका किया गया, तो यह क्वेश्चन भी हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कहाँ पर हुआ है, तो जबलपुर में। और जबलपुर में भी कहाँ पर, तो जबलपुर में भेड़ाघाट में इसका आयोजन किया गया है। भेड़ाघाट को संगमरमरी वादियों में शरद पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदा महोत्सव 2022 का शुभारंभ हुआ। इस दो दिन के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आपके शामिल हुए। उन्होंने नर्मदा के सौंदर्य को अप्रतिम बताते हुए कहा है कि यहाँ पर्यटन की अपार संभावना है। इस वर्ष 18वें नर्मदा महोत्सव का आयोजन आपका किया गया। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बनेगा, नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, भेड़ाघाट जबलपुर में किया गया, कौन सा नंबर का था या कौन से नर्मदा महोत्सव का आयोजन हुआ, तो 18वें नर्मदा महोत्सव का आयोजन आपका हुआ है, यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर हम जबलपुर की, जबलपुर का उल्लेख आया है तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर को ही कहा जाता है। संगमरमर की नगरी के नाम से आपका जबलपुर को जाना जाता है। साथ ही यहीं पर जबलपुर में भेड़ाघाट है और भेड़ाघाट में एक आपका स्थित है लमेटा घाट है। इसको यूनेस्को द्वारा अपनी जो संभावित धरोहर की सूची है, विश्व धरोहर की सूची, उसमें इसको आपका शामिल किया गया है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, तो वह भी आपके जबलपुर में स्थित है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है दोस्तों वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। यह इतनी सी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर उल्लेख आपका आया है नर्मदा नदी का, तो नर्मदा नदी से जुड़ी हुई भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात करें नर्मदा नदी की कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक अनूपपुर जिले से इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, यानी कि उद्गम से लेकर जहां पर इसका समापन होता है उन दोनों की हम बात करें तो ये इसकी जो लंबाई है आपकी 1312 किलोमीटर है। केवल हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है, तो 1077 किलोमीटर जो है हमारे मध्य प्रदेश में यह प्रवाहित होती है। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इस नदी को, यानी कि नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा भी आपका दिया गया। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और हमारे भारत की यानी कि देश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है, यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। साथ ही जो सरदार सरोवर बांध है आपका नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नर्मदा नदी पर आपको जो है जलप्रपात भी देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपका कपिलधारा जलप्रपात हो गया, दुग्धधारा जलप्रपात हो गया, मांधार जलप्रपात, ये कुछ प्रमुख जलप्रपात है जो कि आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेंगे। तो इससे जुड़ी यह जो है बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो अमृतलाल जी वेगड़ को नर्मदा पुरुष के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय खाद्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। चार ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने, जबलपुर, इंदौर, भोपाल या खरगोन। तो ऑप्शन सी भोपाल यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय खाद्य उत्सव का आयोजन आपका किया गया।
तो इससे जुड़ी जानकारी हम देख लेते हैं। तो राजधानी में अरेरा हिल्स पर स्थित है भोपाल हाट में 10 दिवसीय खादी उत्सव और प्रदर्शनी आपकी सजाई गई है। गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भोपाल हाट पहुंचकर कताई बुनाई प्रदर्शनी का शुभारंभ आपका किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय खाद्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों इसका आयोजन आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका किया गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम भोपाल के, तो भोपाल क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। और मध्य प्रदेश की राजधानी इसको कब बनाते हैं, 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल को जिला कब बनाते हैं, तो वर्ष 1972 में इसको आपका जिला बनाया जाता है। यानी कि वर्ष 1956 से लगाकर 1972 तक भोपाल की स्थिति क्या थी, तो भोपाल आपका एक तहसील हुआ करता था। और कहाँ की तहसील, तो आपका सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। साथ ही दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें भोपाल के, तो यहाँ पर जो है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद भी आपकी जो है स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है आपकी कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। साथ ही देश की सबसे या भारत की सबसे छोटी मस्जिद है वह भी आपको भोपाल में देखने को मिलेगी। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों निकल कर हमारा आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले के फिल्मकार और गीतकार देवेंद्र मालवीय को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सलाहकार पैनल में शामिल किया गया है। दोस्तों चार ऑप्शन है आपके सामने, जबलपुर, इंदौर, भोपाल या खरगोन। तो ऑप्शन बी इंदौर यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। इंदौर के फिल्म कलाकार और गीतकार देवेंद्र मालवीय को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सलाहकार पैनल में शामिल किया गया है। देवेंद्र मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, जिसके चलते उन्हें मुंबई क्षेत्र के सलाहकार पैनल के लिए चुना गया है। देवेंद्र इंदौर शहर में प्रतिदिन बजने वाले स्वच्छता गीतों के लेखक और डायरेक्टर है, जिसमें हाल ही में रिलीज बजा दिया डंका इंदौर ने मारा है छक्का को काफी सराहा भी आपका गया है। तो दोस्तों यह अपने आप में इंपोर्टेंट बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, जो कि आपका सेंसर लगाते हैं, जो फिल्म होती है पहले जो है इस बोर्ड के पास जाती है, उसके बाद यह अगर आपका अनुमति देता है तभी जो है आपकी फिल्म वहां पर रिलीज होती है, अन्यथा नहीं होती है। या फिर इस बोर्ड को ऐसा कुछ लगता है कि उसमें कुछ ऐसे सीन है जो कि हमारे समाज के दृष्टिकोण से या समाज के लिए अच्छे नहीं है, तो उन सीन्स को जो है आपका काट दिया जाता है, उसके बाद जो है आपका रिलीज यहाँ पर किया जाता है। तो जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सलाहकार पैनल में शामिल होना अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसमें कौन शामिल हुए हैं, तो देवेंद्र मालवीय है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से आपके बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों यह बात आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी होगी। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, चूंकि इंदौर की यहाँ पर बात आई है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंदौर, तो इंदौर की हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश की खेल राजधानी है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। ये दोनों बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। और हाल ही में आपका जो स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया, उसमें नंबर वन आपका कौन सा बना है, इंदौर बना है। और लगातार कितनी बार बना है, तो 6वीं बार जो है आपका इंदौर देश भर में स्वच्छता के मामले में नंबर वन पर आया है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर प्लस शहर घोषित होने वाला देश का पहला शहर कौन सा है, तो दोस्तों वह हमारा इंदौर शहर है। तो यह आपको यहाँ पर बातें इंदौर शहर से जुड़ी हुई यहाँ पर याद रखनी है। साथ ही जो MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है, आपका इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसका मुख्यालय भी आपका इंदौर में स्थित है। इंदौर में बात करें तो आपको होलकर क्रिकेट स्टेडियम जो है आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। देवी बाई की जो है आखिर उन्होंने कहाँ शासन किया था, तो इंदौर में शासन किया था। होलकर की राजधानी भी आपका इंदौर यहाँ पर रह चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका जो है आपका ऐतिहासिक महत्व है। और वर्तमान में तो अपनी अलग ही पहचान विश्व भर में यह बना चुका है। चलिए दोस्तों अब जो है कल के वीडियो में हमने जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखे थे उनका एक बार रिविजन कर लेते हैं।
दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के प्रणव कोरी तथा सिद्धि गुप्ता ने मलखंभ में कौन सा पदक हासिल किया है। तो इन दोनों के द्वारा आपका स्वर्ण पदक हासिल किया गया था। तो यह अपने आप में यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है, जो राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका गुजरात में इनका आयोजन किया गया था। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यह भी आपका इसी से संबंधित था कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश की खिलाड़ियों ने महिला हॉकी में 5-2 से झारखंड को हराकर कौन सा पदक प्राप्त किया है। तो इनके द्वारा यहाँ पर आपका कांस्य पदक जीता गया था। यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। अगर दोस्तों बात करें कि मध्य प्रदेश की जो महिला अकादमी है कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। स्थापना कब होती है, 2006 में होती है। और मध्य प्रदेश की जो पुरुष अकादमी है, पुरुष हॉकी अकादमी, उसकी स्थापना 2007 में होती है। और कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों वो आपके भोपाल में स्थित है। यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते लेते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला बोन बैंक जो है आपका कहाँ खुलेगा। तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन है आपका इंदौर में होगा। इंदौर में भी कहाँ पर होगा, तो MGM मेडिकल कॉलेज यानी कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर इसका उद्घाटन आपका किया गया है। चलिए दोस्तों अब जो है हम प्रीवियस मंथ के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश, इसमें आपका 7वें स्थान पर है। नीति आयोग की बात करें तो दोस्तों इसका गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को जो है इसका गठन आपका हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं या जो देश के प्रेजेंट वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के आपके अध्यक्ष होते हैं, यानी कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि पूजा वस्त्राकार ने महिला विश्व कप 2022 का सबसे लंबा छक्का लगाया है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। चार ऑप्शन है शहडोल, इंदौर, रतलाम या उज्जैन। तो ऑप्शन है शहडोल यहाँ पर राइट आंसर आपका बनता है। शहडोल जिले की बेटी पूजा वस्त्राकार ने महिला विश्व कप 2022 में सबसे लंबा छक्का लगाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया है और इन्होंने मध्य प्रदेश को यहाँ पर गौरवान्वित किया है। यह कहाँ से बिलोंग करती है, तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से बिलोंग करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग प्रथम स्थान पर है। चार ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, चंबल या उज्जैन। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन ए भोपाल, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का भोपाल जिला जो है आपका संभाग में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि विश्व क्षय रोग दिवस पर खरगोन को किस पदक से सम्मानित किया गया। तो इसको आपका स्वर्ण पदक से आपका सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। दोस्तों खरगोन की बात करें तो इसका सुनहरा जिला भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के 4 जिलों को सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कौन कौन से जिले हैं, तो खरगोन, खंडवा, आपका बुरहानपुर, साथ ही आपका यहाँ पर बड़वानी, इन 4 जिलों को जो है आपका सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनमें कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का जो कपास अनुसंधान केंद्र है वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों वो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि भोपाल में आयोजित अब्दुल्ला खां हेरिटेज हॉकी टूर्नामेंट 2022 किस टीम ने जीता है। चार ऑप्शन है इंडियन रेलवे, आर्मी 11, राजस्थान हॉकी अकादमी या मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर बनता है। भोपाल में आयोजित अब्दुल्ला खां हेरिटेज हॉकी टूर्नामेंट 2022 मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के द्वारा आपका जीता गया है। चलिए दोस्तों अब पिछले वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था किन लोगों के द्वारा राइट आंसर दिया गया, उसकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब शुरू हुआ। चार ऑप्शन थे यहाँ पर आपके सामने 1857, 1886, 1897 या 1867। तो दोस्तों ऑप्शन डी 1867 यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है।
तो किन किन लोगों के द्वारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया? तो दोस्तों नीतू सिंह बाथम, इन्होंने राइट आंसर दिया है। इन्होंने बताया कि 1867 में मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग आपका शुरू होता है। मध्य प्रदेश का मुख्य का रेलवे मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में पहले रेल सुरंग रीवा और सीधी जिले में आपकी बनाई गई। रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल में स्थित है। साथ ही रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी सीहोर में स्थित है। रेलवे स्प्रिंग कारखाना सिंगोली ग्वालियर में है। देश की पहली ISO प्रमाणित रेल भोपाल एक्सप्रेस और दूसरी रेवांचल एक्सप्रेस है। भारत के 17 जोनों में से एक पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। साथ ही जाहिद खान, इन्होंने राइट आंसर दिया है। अंतर अलावा इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। साथ ही आशीराम जमरे, इन्होंने भी आंसर यहाँ पर दिया है। तो इन लोगों के द्वारा राइट आंसर दिया गया, उनके नाम यहाँ पर आपको बता दिया, उनके आंसर की भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह प्रतिवर्ष कहां आयोजित किया जाता है? चार ऑप्शन है, ग्वालियर, भोपाल, पचमढ़ी या मेहर। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।